बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति ने अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडितों को भी कंफ्यूज करके रख दिया है। दरअसल शनिवार को नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से नए सिरे से गर्मा गई और सवाल खड़े होने लगे कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार में जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव को, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। ये दरअसल घटनाक्रम शनिवार को हुआ जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। एक कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से बात करने के लिए सामने आए तो उसी दौरान तेजस्वी यादव भी उनके बगल में मौजूद थे और मीडिया ने उनसे दो दिन पहले जो एक घटना घटी थी और नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उसको लेकर सवाल खड़े किए, जहां नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में बीजेपी का नाम लिए बगैर ही बीजेपी के साथ दोस्ती की बात कही और जब तक जीवित रहेंगे बीजेपी के साथ दोस्ती बनी रहेगी, इस तरीके की बातें उन्होंने कही, जिसके बाद बिहार की राजनीति पिछले दो दिनों से जो है वो काफ़ी उस पर कयासबाजी लगाई जा रही थी कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है, कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, महागठबंधन से उनका दिल लगूब गया है, क्या एनडीए में वापस आएंगे, क्या बीजेपी के साथ फिर से दोस्ती होगी। तो इसी को लेकर नीतीश कुमार से शनिवार को पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया कि भाई उस बयान का क्या मतलब था। तो उसके बाद नीतीश कुमार सिरे से पलट गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, उन्होंने जो भी कुछ कहा था उसको गलत तरीके से मीडिया ने प्रस्तुत किया है, गलत तरीके से अखबारों में छापा गया है। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने एक जगह पर तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख दिया और तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा और फिर कहा यही ये बच्चा ही अब सब कुछ है हमारा, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। और उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं ऐसे बयान से। देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये बच्चा हमारा सब कुछ है, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का ये बयान कई नए सवाल खड़े कर रहा है, कई नए सवाल पैदा कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नए सिरे से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल जब बीजेपी से अलग होकर उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई थी तो उसके बाद कई ऐसे मौके आए थे जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कई बार ये भी कहा था कि 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ेगा, तो इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। लेकिन फिर ऐसा लगा कि वो सारी बातें ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि कुछ खबरें आई कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ऐसे में गुरुवार को नीतीश कुमार का बीजेपी को लेकर जो बयान आया, जो इशारों इशारों में बीजेपी को लेकर बयान आया, जब उन्होंने दोस्ती की कस्में खाई बीजेपी नेताओं के साथ, तो उसको लेकर फिर से सवाल खड़े हुए कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोस्ती कर सकते हैं 2024 से पहले लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर आरजेडी की तरफ से, और क्या नीतीश कुमार ने इसीलिए ये बयान दिया है। तो उस समय जब दो दिन पहले ये बयान दिया तो उसको दो तरीके से देखा जा रहा था, एक देखा जा रहा था कि ये क्या एक संकेत है कि नीतीश कुमार वाकई में बीजेपी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्या ये महज एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, यानी दबाव की राजनीति आरजेडी के ऊपर वो कर रहे थे ताकि आरजेडी जो है वो उन पर दबाव ना बनाए कि तेजस्वी यादव को सत्ता जल्दी से जल्दी सौंपा जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और जब शनिवार को मीडिया ने उनसे सवाल पूछा इस बाबत, तो सीधे से एक तरीके से कहें तो पलट गए, मीडिया पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया कि आप लोग तो कहते कुछ हैं, छापते आप लोग कुछ हैं, तो आप लोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, आप वही दिखाते हैं जो केंद्र सरकार चाहती है, इस तरीके के बयान नीतीश कुमार ने दिए। लेकिन तेजस्वी यादव के कंधे पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हाथ रखकर कहा कि ये बच्चा ही अब हमारा सब कुछ है, इसको लेकर अब बिहार की राजनीति में एक नए सिरे से जो है वो चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार सत्ता सौंपेंगे, या ये महज कह सकते हैं ये भी एक दबाव की ही राजनीति, इसे कहा जा सकता है कि अभी वो एक तरीके से आरजेडी को ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा सब कुछ है, यानी 2025 में तब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव के ही
नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसीलिए अभी उन पर किसी तरीके का दबाव नहीं बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं पिछले 2-3 दिनों में, इस तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं जिसको लेकर बिहार की राजनीति जो है वह इस वक्त गरमाई हुई है। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।